चलो आज पढ़ते हैं गार्डनर वर्सेस मुर्रे रूल। ये होता है डिसोल्यूशन में, जब कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब लगता है गार्डनर वर्सेस मुर्रे रूल। सपोज करते हैं तीन पार्टनर है ए बी एंड सी, इनके कैपिटल में पॉजिटिव बैलेंस होगा, इसके में भी पॉजिटिव होगा और इसके में नेगेटिव होगा, ये हो गया इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट मतलब डेबिट बैलेंस है, कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इनका क्रेडिट बैलेंस है। ये सॉल्वेंट पार्टनर है और ये इंसॉल्वेंट है, दोनों खुश हैं, सॉल्वेंट है क्योंकि ये इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट होने से जो भी इसके कैपिटल का लॉस होगा उसे बोलेंगे इंसॉल्वेंसी लॉस। इंसॉल्वेंसी लॉस, ये बियर किसको करना पड़ेगा, अभी कर दिया है ए और बी को, ये लॉस बियर करना पड़ेगा ए एंड बी को, जो भी सी की वजह से। इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस सॉल्वेंट पार्टनर बियर करेंगे जिसके कैपिटल में पॉजिटिव बैलेंस है, नेगेटिव वाला नहीं करेगा कभी भी। अब ये खुश हो जाएगा क्योंकि इसका लॉस ये बियर करेंगे, इसके पास कुछ भी बचा नहीं तो वो अपना लॉस नहीं उठा सकता, तो उसका लॉस ए और बी को उठाना पड़ेगा। देखते हैं किस तरह से ये लॉस को उठाएंगे। अगर कैपिटल फिक्स है, अगर कैपिटल फिक्स कैपिटल मेथड है, कैपिटल फिक्स है तो ए एंड बी कैपिटल रेशियो में लॉस को उठाएंगे। कैपिटल रेशियो में जो भी इनका बैलेंस है कैपिटल में, सपोज करो इसका बैलेंस है 2 लाख रुपए और इसका बैलेंस है 1 लाख रुपए और उसका नेगेटिव बैलेंस है, तो ये 2 और 1 के रेशियो में लॉस को बांट लेंगे, इंसॉल्वेंसी लॉस को, और कुछ भी नहीं करना। अब करते हैं फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में, अगर कैपिटल फ्लैक्चुएट है तो तब क्या करेंगे। जब फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल थी, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल इस केस में ए एंड बी लॉस को शेयर करेंगे, इंसॉल्वेंसी लॉस लॉस शेयर करेंगे इन द रेशियो ऑफ जेबीडी, शेयर्ड इन द रेशियो ऑफ जेबीडी। अभी पढ़ते हैं जेबीडी होता क्या है। जेबीडी मीन्स जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल, जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल, इसका मतलब है बैलेंस ऑफ कैपिटल ए का एंड बी का, इसमें ऐड कर दो ओल्ड प्रॉफिट्स या ओल्ड रिजर्व जो बैलेंस शीट में गिवन हो, ओल्ड प्रॉफिट्स या फिर ओल्ड रिजर्व, लाइक जनरल रिजर्व अगर बैलेंस शीट में दे रखा है तो प्लस कर देंगे, इसी तरह से लेस कर देंगे ओल्ड लॉसेस, ओल्ड लॉसेस जो पिछले साल के लॉसेस हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या फिर गुडविल वगैरह कोई भी चीज पुरानी, वो माइनस कर दी जाएगी बैलेंस बीडी में से, इनके जो कैपिटल निकल कर आएगी ये माइनस और ये वाला प्लस, जो निकल के आई ए का अलग और बी का अलग, जो आया उस रेशियो में हम लॉस को बांट देंगे। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में जेबीडी में बढ़ता है लॉस जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल में, साथ में एक कंडीशन भी है, जो सॉल्वेंट पार्टनर हैं उन्हें कैश भी लाना पड़ेगा, सॉल्वेंट पार्टनर्स को कैश भी लाना पड़ेगा, सॉल्वेंट पार्टनर मस्ट ब्रिंग कैश इक्वल टू रियलाइजेशन लॉस। और जो सी पार्टनर का लॉस था वो हमने बांट दिया जे बी डी में जस्ट बिफोर डिसोल्यूशन कैपिटल में। यह है गार्डनर वर्सेस मुर्रे रूल।